हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस, आपके सामने खड़ी 2024 ऑल न्यू TVS Apache RTR 204 भी आपके सामने खड़ी हुई। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, इंजन में पावर एंड टॉक क्या मिल जाती है, गाड़ी माइलेज क्या दे देती है, टायर प्रोफाइल क्या मिलती है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, वॉक अराउंड लेने वाले हैं, पूरा चीज़ आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन छपाने के लिए। और कैसे, अगर आप लोग वाराणसी निबाई से बिलोंग करते हो, कोई भी TVS की प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल आप गणपति TVS पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कैसे समझ सकते हैं, इसके प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरियंट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई, ये ऑफर होती है सिंगल वेरियंट, सिर्फ डुअल चैनल ABS में आती है। एंड यहाँ पर आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। मोटी मोटा ये आपको 2 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी वाराणसी में। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट्स में वेरी कर सकते हैं, इस बात का गाइस आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड 200cc में हालांकि मार्केट में तो ये गाड़ी आपको कम दिखती है, लेकिन एक तरीके से काफ़ी प्रैक्टिकल बाइक भी है भाई। सबसे पहले ऊपर आपको गाइस रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया स्लो फिशिंग में 3-स्टेप एडजस्टेबल लीवर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको मीटर कंसोल, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। एंड गाइस, यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टर बेस हैलोजन सेटअप में टर्न सिग्नल मिलेंगे, इंडियन फ्लैग की लोगो। एंड गाइस, यहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। उसी के बाद गाइस, यहाँ पे देखेंगे तो अपने को LED DRLs इधर देखने को मिलेंगे, और रिफ्रैक्टर बेस LED सेटअप में हेडलाइट आ जाती है पूरी। उसके बाद गाइस, सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपने को सोवा का टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे फेंडर देख रहे हैं तो यहाँ पे फाइबर का फेंडर TVS रेसिंग की ब्रांडिंग के साथ आती है भाई, ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको फेंडर मिलेगा। एंड गाइस, अगर फ्रंट टायर प्रोफाइल एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया ब्लैक कलर की अलॉय व्हील मिलेगी, कुछ ग्राफिक्स मिल जाती है आपको TVS रेसिंग की इसके व्हील पे। एंड टायर प्रोफाइल की अगर बात कर लेते हैं तो गाइस, यहाँ पे अपने को जो फ्रंट की टायर प्रोफाइल मिलती है वो भी हम लोग यहाँ से भाई चेक कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे 90x90 सेक्शन टायर मिलेगी विद 17 इंचेज ऑफ अलॉय व्हील, 270mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, डुअल चैनल ABS के साथ आता है, तो फ्रंट के साथ साथ रियर में भी अपने को ABS मिलेगी। फेंडर पे यहाँ पे आपको ABS डुअल चैनल RLP का ब्रांडिंग भी मिल जाता है भाई। सो गाइस, ये थी इसकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। एंड अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये भाई इसकी राइट साइड प्रोफाइल 160 से काफ़ी ज़्यादा हैवी थोड़ी सी लुक आ जाती है, ड्यू टू जो इसकी आपको ओवरऑल पहले ग्राफिक्स थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, हैवीनेस फील दे देता है। एंड यहाँ पे रियर का अगर आप टेल पैनल देखते हैं तो वो भी आपको डिफरेंट है, वो भी थोड़ा आपको विड्थ वाइज ज़्यादा मिलेगा, और जो स्प्लिट सीट आ जाता है उसकी वजह से फील थोड़ा और हैवीनेस वाला आ जाता है। सो गाइस, यहाँ पे आपको पूरी बॉडी कलर ब्लैक मिलेगी, जहाँ पे रेड कलर की ग्राफिक्स एंड कार्बन फाइबर फिनिशेस मिल जा रहे हैं। टैंक यहाँ पे गाइस अगर आप देख रहे हैं तो पूरा फाइबर का आ रहा है, 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे फ्यूल नो मिलेगा, TVS यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है 3D, यहाँ पे ग्राफिक्स मिलेगी RTR की ब्रांडिंग। उसी के बाद बीच में आपको रेड कलर की एक स्ट्रिप मिल जाती है जो कि बढ़िया लगती है, RTR 200 की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे भाई अपना ओवरऑल इंजन का सेटअप, लेग गार्ड मिलेगा। उसी के बाद गाइस, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है जो यहाँ पे जो क्लच है वो आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलता है, और इधर गाइस यहाँ पे आपको इंजन काउल देखने को मिलेगा मेटालिक। यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिलता है जहाँ पे रबर की पैडिंग, यहाँ पे भी गाइस आपको ब्रेक लीवर मिल रहा है। ये गाइस अगर आप देखेंगे कुछ ऐसा इसका साइड फेंडर, जहाँ पे आपको अपाचे की ब्रांडिंग मिलती है जो कि गाइस स्टिकर है, 3D ब्रांडिंग नहीं आती। रियर ब्रेक के लिए ऑयल मिलेगा, रियर पैसेंजर के लिए मेटालिक फुटरेस्ट आ जाता है कुछ ऐसा। यहाँ पे गाइस आपको डुअल बैरल में यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, साउंड काफ़ी सही है। एंड कुछ ऐसा गाइस, यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है भाई अपने 200 में, बढ़िया सी कुशनिंग मिलती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है कीनो, जिससे कि सीट को आप ओपन कर सकते हैं। RTR 204B की ब्रांडिंग मिलेगी। इधर गाइस अपने को ग्राफिक्स मिल जाती है, बाकी गाइस इधर देख रहे हैं तो फ्रंट में टेलीस्कोपिंग एंड रियर में मोनोशॉक अब्जॉर्बर मिल रहा था। यहाँ पे आपको टायर हगर देखने को मिलेगा। बाकी गाइस रियर टायर प्रोफाइल एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात कर लेते हैं तो 130x70 सेक्शन टायर मिलेगी रियर में, भी 17 इंचेज ऑफ अलॉय व्हील एंड 240mm का यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। इधर भी गाइस अपने को ABS मिल जाता है, तो सेफ्टी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे गाइस आपको स्प्लिट ग्रैबलेट हैंडल मिलेगा, और थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड में आप इसकी लुक चेकआउट कर लीजिए भाई, ब्लैक कलर में बढ़िया लग रही है। एंड गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अपने को भाई टेल लैंप LED मिलता है, नॉन फॉक्सर रिफ्लेक्टर, यहाँ पे भी नॉन फॉक्सर रिफ्लेक्टर मिलेगा, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, टर्न सिग्नल। एक बार अल्ट्रा वाइड एंगल में इसकी पूरी पीछे की प्रोफाइल आप देख लीजिए भाई। एंड गाइस अब आते हैं इसके हम लोग लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ। सो गाइस, ये है प्रॉपर लेफ्ट साइड प्रोफाइल अपनी 200 की। सबसे पहले गाइस रियर में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको वुमेंस के लिए साड़ी गार्ड मिलेगा, फुटरेस्ट मिलेगा, अलग से एक डेडिकेटेड फुटरेस्ट दिया गया है मेंस के लिए। एंड गाइस इधर देखें तो अपने को जैसा सभी स्पोर्ट्स व्हीकल मिलता है वैसे ही चैन कवर मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर देखें तो भाई अपनी ये 5-स्पीड नैनो ट्रांसमिशन के साथ आती है, स्प्लिट गियर लीवर आ रहे हैं, साइड स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंड इंजन कटआउट के साथ आता है, डबल स्टैंड आ जा रहा है, पूरी ब्लैक कलर में ओवरऑल इंजन मिलता है। यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं तो भाई इंजन कवर आएगा, जहाँ पे RTR5 की ब्रांडिंग मिलेगी। इधर भी गाइस आपको भाई ग्राफिक्स, TVS की लोगो। एंड गाइस क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलेगा, फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, एवरेज स्पीड, टेप मीटर, ओडोमीटर, हर एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 बटन्स मिल जाते हैं, RPM लाइट, क्लिप ऑन हैंडल बार्स आ जा रहे हैं। स्विचेस को देखेंगे तो राइट साइड में इंजन कट ऑफ का स्विच, मोड का स्विच। यहाँ पे गाइस आपको 3 मोड मिलेंगे, स्पोर्ट, ड्रेन एंड अर्बन मोड।
यहाँ पे आपको लाइट का स्विच मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट का स्विच, एंड लेफ्ट साइड स्विच गियर्स में आ जाना तो यहाँ पे आपको पास की स्विच, हैवी मूविंग इन्फो बटन, टर्न सिग्नल एंड हॉर्न की स्विच। सो गाइस ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड, टायर प्रोफाइल, सस्पेंशन वगैरह, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सब चीज़ बता दिया। अब बारी आ रही है भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या इंजन में पॉल ऑन टॉप मिलता है एंड व्हीकल की ओवरऑल क्या डायमेंशन देखने को मिल जाती है। सो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंजन की, क्या यहाँ पे आपको पावर एंड टॉर्क देखने को मिलता है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो इंजन है वो भाई अपना एयर ऑयल कूल के साथ आ रहा है, तो हीटिंग की कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली है। 197.5 cc एयर ऑयल कूल सिंगल सिलेंडर FI BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाएगा आपको, जहाँ पे मैक्स पावर 20.54 bhp की मिल रही है 9000 rpm पे, एंड 17.25 nm की टॉर्क मिल जा रही है 7250 rpm पे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ रही थी एंड अप्रॉक्स आपको ये 35-38 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है। 20 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, अप्रॉक्स 130 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड निकाल के दे देती है भाई अपनी RTR 204B। सो गाइस ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की, तो गाइस ओवरऑल लेंथ मिल रही है आपको वो मिल जा रही है 2050 mm की, विड्थ मिलती है 790 mm की, हाइट 1050 mm की मिल रही है, व्हील बेस 1353 mm की मिल रही है, एंड सीट हाइट की बात करेंगे तो 800 mm की सीट हाइट मिलती है, तो शॉर्ट राइडर के लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सीट हाइट पे बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड 152 kg की यहाँ पे आपको कर्वेट मिल जाती है। तो वेट में गाइस थोड़ी सी हैवी है तो होने वाली हैवी सीसी की बाइक है तो, एंड उसी के बाद ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिल जा रही है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस अभी आपको ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि डबल स्टैंड पर खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स में आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जा रही है, जो कि प्रैक्टिकल भी ठीक है भाई। बाकी गाइस ये थी भाई अपनी RTR 204B, जस्ट इसमें अभी अपडेट बहुत जल्द आने वाला है भाई ये भी, और इस पर अभी TVS काम कर रही है, मे बी अपडेट आए तो और भी ज़्यादा इसमें आपको फीचर्स मिले और भी बढ़िया लुक देखने को मिलेगा। अभी तक तो ये आपको 2 lakh rupees ऑन रोड कॉस्ट करती है, सिंगल वेरिएंट एंड 3 कलर ऑप्शन के साथ आती है। बाकी गाइस होप करता हूँ सभी लोग को इसके बारे में कोई चीज़ें मालूम चल गई होगी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपडेट करने की ज़रूरत है, वो अभी आपको मिलेगा। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा, ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपेयर उन छपाने के लिए। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।